अनूपपुर जिले में नाबालिग स्कूली छात्रों द्वारा लापरवाही से दो पहिया वाहन चलाने की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को टीआई अरविंद जैन के नेतृत्व में टीम ने अमरकंटक रोड स्थित बैथेल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 11 दोपहिया वाहनों को नाबालिग चालकों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन वाहनों को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की। इसके साथ ही बैथेल मिशन स्कूल के प्राचार्य को थाना बुलाकर नोटिस दिया गया है। उनसे कहा गया कि नाबालिग छात्रों को वाहन चलाने से रोकने के लिए अभिभावकों को जागरूक करें। पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी के द्वारा नगर के विभिन्न विद्यालयों में जो छात्र छात्राएं 18 वर्ष से कम हैं और उसके बाद भी वाहनों को चलाते हैं, दोपहिया वाहनों को, मोपेड को, उनकी चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें यह अभियान कल भी चला था। कल 6 ऐसे नाबालिग स्टूडेंट्स जो दोपहिया वाहन बिना लाइसेंस के चला रहे थे, उनकी चलानी कार्रवाई की गई थी। और आज अनूपपुर नगर के एक निजी विद्यालय के पास चेकिंग लगाए जाने पर 11 दोपहिया वाहन चालक ऐसे पकड़े गए हैं जो नाबालिग हैं और 18 साल से कम हैं। उनको उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट में चालानी कार्रवाई की जा रही है और वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस की ओर से सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को अपील है कि कृपया नाबालिग छात्र छात्राओं को मोपेड या मोटरसाइकिल ना चलाने दें, इससे वाहन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कृपया सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए नियम और कानून का पालन कराएं।